गोलजीव महाराज की, गोलजीव महाराज की। टनकपुर माँ पूर्णागिरी का धाम और मानसखंड कैलाश मानसरोवर, इस यात्रा का एक स्टेशन, एक बड़ा जंक्शन टनकपुर में आज पूरे कुमाऊं क्षेत्र की 2215 करोड़ रुपए की योजनाओं के भूमि पूजन के अवसर पर, शिलान्यास के अवसर पर हम सब के बीच में, जिनसे अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि जिनसे हमको किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं, राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही हैं, चाहे वो चार धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारे रोप वे के परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है, ऐसे भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और भारत सरकार में रक्षा एवं पर्यटन के मंत्री के नाते जो हम सब का यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं, आदरणीय अजय भट्ट जी नैनीताल क्षेत्र के सांसद भी हैं, हमारे इस क्षेत्र के अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई अजय टंडा जी, काशीपुर के लोकप्रिय विधायक आदि त्रिलोक सिंह चीमा जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन ज्योति राय जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई निर्मल मेहरा जी, प्रदेश मंत्री भाई विकास शर्मा जी, दीदी हिमा जोशी जी, आर ओ मौर्य जी, जिलाधिकारी एवं यहाँ पूरी टीम और आए हुए सभी हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण एवं आए हुए सभी में बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से आज हम सब के बीच में आरणी गडकरी जी का माँ पूर्णागिरी की पवित्र भूमि पहुंचने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके द्वारा अनेक योजनाओं का यहां पर 8 महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया है, इसके लिए मैं इस पूरे क्षेत्र की, कुमाऊं क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो परियोजनाएं जिनके लिए हम लंबे समय प्रयास कर रहे थे, वो सारी परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हो गया है और जो स्वप्न हमने देखा था, जो एक संकल्प लिया था, वो सारी योजनाएं आज धरातल पर उतर रही हैं। आप सब समझ सकते होंगे कि लगातार भाई अजय टमटा जी, आदरणीय हमारे अजय भट्ट जी और मैं और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार इन योजनाओं के बारे में जब भी आम जनता के लोग उनसे मिलते थे तो हमारा ये स्वप्न था कि ये योजनाएं धरातल पर उतरे। आज ये सारी योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और उत्तराखंड में जो हमारी कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करने के लिए हम अपनी प्राथमिकता से इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी तो निश्चित रूप से हमको बहुत आसानी होगी। जैसे आप सभी जानते हैं, जहां हम बैठे हैं ये टनकपुर, जो कि एक समय में मैं जब बहुत छोटा होता था तो मुझे भली भांति याद है कि यहाँ पर बस पकड़ने के लिए हमको रात को ही आना पड़ता था, रात को आके टनकपुर के इसी रोडवेज के बस अड्डे पर रहना पड़ता था और प्रातःकाल यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए बस जाती थी। और आज जब हम तुलना करें कुछ सालों पहले हमको पिथौरागढ़ जाने में कितनी परेशानियों का यहाँ से सामना करना पड़ता था,
उसके बाद हम पिथौरागढ़ से जब टनकपुर तक पहुंचते थे और टनकपुर से हमको रुद्रपुर जाना है, हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है या रामपुर मुरादाबाद होते हुए या हमको दिल्ली जाना है, तो कितनी कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता था भाइयों बहनों। बिल्कुल कमर टेढ़ी हो जाया करती थी। मैं स्वयं कई बार देहरादून जाता था खटीमा से तो कई कई घंटे लग जाते थे। लेकिन अब एक दिन मैं देहरादून से यहाँ टनकपुर कार्यक्रम के लिए आ रहा था, एक कार्यक्रम कहीं बीच में था, यही हेमा जोशी जी यहाँ बैठी हैं दीदी हमारी, ये कह रही थी मुझसे कि मैं भी टनकपुर आप भैया तुम्हारे कार्यक्रम में आ जाऊंगी। और जब मैं यहाँ 3 बजे टनकपुर पहुंचा तो मुझसे पहले हेमा दीदी देहरादून से टनकपुर पहुंच गई थी, जहां जाने के लिए हमको 14-15 घंटे लगते थे। यह आपके शानदार जो आपका काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से आपने इस डिपार्टमेंट को, इस पूरी कार्य संस्कृति को बदलने का काम किया है, निश्चित से यह अभूतपूर्व है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और आज केवल हम लोग ही नहीं प्रशंसा कर रहे हैं, आज जब हम लाभार्थी सम्मेलनों में जाते हैं कि कितने लोगों को हमारे जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है, तो मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको सरकार की किसी न किसी योजना के कारण से लाभार्थी होने का अवसर न मिला हो। यानी कि हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग द्वारा मिलकर अनेक परियोजनाओं पर अभी काम किया जा रहा है। अभी हाल में ही विभाग के साथ बैठक कर प्रदेश के जितने भी सभी निर्माणाधीन और आगे होने वाले काम हैं उनकी हमने समीक्षा की है। कुछ आपने हमको अभी आगे जो काम करने हैं उसके बारे में भी बताया है। बहुत सारी जगह पर अभी NOC देनी है हमको, और आपने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्वीकृति आप तत्काल भारत सरकार से हमको राज्य के लिए विभिन्न विभिन्न योजनाओं के लिए दे देंगे। मैं आभारी हूं आपका कि अभी आपने 16,000 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाएं रोपवे की हमारी जो है स्वीकृति की ओर बढ़ा दी है, वो हमको स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा अनेक परियोजनाओं पर काम हो रहा है। आज आप सभी को जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जारी विकास कार्यों की स्थिति संतोषजनक है, और मुझे आशा है कि सभी परियोजनाएं तय समय पर पूरी होंगी। हमारी चार धाम सड़क परियोजना की तरह ही मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। और आने वाले समय में ये हमारा जो टनकपुर का एक केंद्र है, जहां से आज हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया कि इस क्षेत्र पर जहां मां पूर्णागिरी का ये धाम है, और मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में केवल हरिद्वार में कई करोड़ों लोग साल भर में आते हैं क्योंकि कांवड़ यात्रा होती है, और उस कांवड़ यात्रा में हरिद्वार में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस वर्ष आए। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर हम सारे धार्मिक स्थलों को देख लें तो सर्वाधिक अगर फुटफॉल कहीं पर होता है तो इस टनकपुर में होता है, जहां 50 लाख की संख्या जो है पूरे वर्ष भर पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की होती है, मां पूर्णागिरी का दर्शन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों में आज सड़क का नेटवर्क बन रहा है, तेजी से वहां तक सड़कें जा रही हैं, सुविधाएं पहुंच रही हैं, विकास जा रहा है। और सामरिक दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण सड़क नेटवर्क की जरूरत जो कई सालों से जहां महसूस की जा रही थी, आदि कैलाश तक जाने वाली सड़कों का निर्माण हो रहा है, जौलीकोंग तक सड़क पहुंच गई है, गुंजी तक सड़क पहुंच गई है। अभी अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पर अपना दौरा किया, और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो 18,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड के उन्होंने दर्शन किए हैं भाइयों बहनों। उसके कारण से आज तेजी से हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे लोगों का आगमन हो रहा है, बहुत सारे लोग हमारी तरफ आज देख रहे हैं, आने की तरफ देख रहे हैं, और हमारा प्रदेश धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां हमारे यहाँ चार धाम, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान, ये सिर्फ दर्शन के स्थल ही नहीं है, ये हमारी हजारों वर्षों पूरी जो हमारी सभ्यता है उसकी भी पहचान है, वो हमारे लिए धरोहर है, अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा है, ये जो हमारी धरोहर है, ये हमारे जो पर्वत हैं, हमारे देव स्थान हैं,
हमारे धार्मिक स्थान है, ये उसके साक्षी हैं, ये हमको बताते हैं कि संकट बहुत आए लेकिन हम अपनी जगह पर बरकरार हैं। जहां पर हम थे वहीं हम हैं। कोई भी देश अपने अतीत को भुलाकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी विकास नहीं कर सकता। हमें संतोष है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते 10 वर्षों में बहुत स्थितियों को बदला है। आज देश दुनिया के अंदर, अभी अजय भट्ट जी कह रहे थे, आज पूरे भारतवासियों का, चाहे वो विदेशों में भी रहते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा है। मैं भी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के संबंध में जब इंग्लैंड में गया था, वहां मैंने देखा वहां के मंत्री जिस प्रकार से भारत का गुणगान कर रहे थे, हमारे यहाँ G20 की प्रशंसा कर रहे थे। निश्चित रूप से मेरा नहीं, पूरे हमारे भारत के रहने वाले 140 करोड़ भारतीयों का वो सुनकर गर्व से सीना ऊंचा हो जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चार धाम के साथ ही मानसखंड माला मिशन के तहत हमारे सारे मंदिरों का यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा है। बहुत सारे मंदिर हमारे जो मानसखंड माला मंदिर मिशन में है, 16 मंदिरों को हमने पहले चरण में उनका विकास करने में, उनका पुनर्निर्माण करने का हमने संकल्प लिया है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज चाहे टनकपुर पिथौरागढ़ की जो सड़क कनेक्टिविटी है वो तेजी से बढ़ी है, किस प्रकार से विकास हुआ है हमने देखा है। और दिल्ली जाने के लिए जिस प्रकार मुरादाबाद से, रामपुर से 6 लेन हाईवे हमको मिल रहा है, आप यहां से जाते थे, पर खटीमा का बाईपास भी आपके ही कारण से हमको मिल पाया। मैं आज इस मंच से आपका उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि खटीमा का बाईपास भले ही हमारा वो बहुत बड़ा बाईपास नहीं है, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का बाईपास है, लेकिन उसमें जाने वाले लोग नेपाल के भी हैं, टनकपुर बनबसा के भी हैं, पिथौरागढ़ और धारचूला तक के लोग उस बाईपास के बनने से, जो उनको शहर के अंदर से जाना पड़ता था, उससे काफी उनको आराम मिला है, काफी सहूलियत हुई है। इसके साथ साथ मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता हो रही है कि जहां दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड का काम तेजी से चल रहा है, वहीं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम भी जल्दी ही पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा आज इस अवसर पर नहीं कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ दिन रात कार्य कर रहे हैं, दिन रात योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो पहले की सरकारों में जो वादा करने की गारंटी देते हुए केवल चुनाव के समय में वोट बैंक के तहत उनको बरगलाने का काम होता था, हर वर्ग को छलने का काम होता था, वो सारा का सारा बदल रहा है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले हमने एक आप सबसे संकल्प और वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। हमने विधानसभा के अंदर वो विधेयक पारित कर दिया है और सभी के लिए समानता का कानून जल्दी ही प्रदेश के अंदर लागू होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने सड़कों के विकास के लिए, नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों को मूल सुविधाओं की गारंटी दी है। हर क्षेत्र में एक नया कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि सारी गारंटियां तेजी से पूरी हो रही हैं। भाइयों बहनों, बहुत बार लोग कहते हैं डबल इंजन क्या कर रहा है, डबल इंजन का क्या अर्थ होता है। डबल इंजन सरकार हर लाभार्थी तक विकास को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर ये सब काम हो पा रहे हैं, आज इतनी 8 परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास हो पा रहा है, भूमि पूजन हो पा रहा है, तेजी से सारे काम आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इसका कारण ही केवल है कि जो हमारी जरूरत है वहां केंद्र में बैठी हुई हमारी जो सरकार है, आदरणीय नितिन जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन सभी कामों को स्वीकृति प्रदान करते हैं जिनकी हमको आवश्यकता होती है। हमारा लक्ष्य हरेक नागरिक के जीवन को आसान बनाना, और हम अपने इस प्रयास में लगातार सफल हो रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड का जो विकल्प रहित संकल्प हमने तय किया हुआ है, जो विकल्प रहित संकल्प का हमने आगे का लक्ष्य तय किया हुआ है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें अपने सामूहिक प्रयास करने होंगे। अभी आप सब लोग एक वीडियो में देख रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमको कहीं ना कहीं उनके सब जहां प्रेरणा देते हैं, जहां हमारे अंदर उत्साह बढ़ते हैं, वहीं हमको अपने लक्ष्य की तरफ भी बढ़ने के लिए संकेत करते हैं।
कि हमको अपने लक्ष्य की तरफ आगाह करते हैं कि हमको अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से काम करना है और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में इनका नाम होगा। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैंने पहले ही कहा कि मैं आज नितिन जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहले से जहां आज इतने कामों का यहां शिलान्यास हो रहा है, उससे पहले यही ककराड़ी गेट से बेलखेत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 जिसमें 282 करोड़ की धनराशि आपने स्वीकृत की थी, वो काम पूरा हो गया है। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ जाने वाला जो ककराली गेट से राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी संख्या 9 से 28 तक है, जहां पर तमाम जगह पर भूस्खलन होता था, वो भूस्खलन का भी ठीक से ट्रीटमेंट हो गया है, उपचार हो गया है। 192 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर खर्च हो चुकी है। इसके साथ साथ पिथौरागढ़ से ककराली गेट टनकपुर तक का 71 करोड़ की धनराशि से अन्य भी जो जहां पर भूस्खलन का बार बार खतरा होता था वो काम हो गया। इसके साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 9 है, पूरा पिथौरागढ़ से लेकर टनकपुर तक विभिन्न स्थानों पर आप देखते होंगे अक्सर हमको समस्या आ जाती थी कि थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ा सा मौसम खराब हुआ तो सड़क बंद हो गई। उन सब पर बहुत न्यूनता आई है और आने वाले समय में बिल्कुल हमारा ये सड़क जो है हर मौसम में 24 घंटे चलने लायक हो जाएगा। उसके लिए आपने हमको सारी धनराशि भी दी है, सारी स्वीकृतियां भी दी है। ऐसे बहुत सारे काम, नेपाल से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जो ड्राई पोर्ट है उसका निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जल्दी वो काम भी हो जाएगा। अभी हम नीचे उसका वो जो प्रेजेंटेशन लगा हुआ था वहां हमने देखा है। टनकपुर से जलजीवी मोटर मार्ग, इसका 55 किलोमीटर का काम अभी तक पूरा हो गया है, जिसमें 308 करोड़ की धनराशि से किया जा रहा है। टनकपुर में अभी पिछले दिनों एक बड़ा बस अड्डा भी हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं ISBT, जिसका लगभग 56 करोड़ रुपए की धनराशि उसमें खर्च होगी। मैं इस अवसर पर, क्योंकि वैसे तो मुझे हम सब लोग आदरणीय नितिन जी को सुनना चाहते हैं और समय भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन इतना सा निवेदन करते हुए कि जनपद चंपावत में गुरु गोरखनाथ का एक बहुत बड़ा हमारा बहुत प्रसिद्ध स्थल है जहाँ बाबा गोरखनाथ विराजते हैं, उस गुरु गोरखनाथ तक रोड पे अगर आपकी योजना में जो आपने 59 योजनाएं हमारे राज्य के लिए बनाई है, तो हम सब लोग आपको और भगवान की कृपा भी होगी और हम सब भी आपका धन्यवाद करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यहाँ बीच जंगल के अंदर है, जब हम आ रहे थे तो आप पूछ रहे थे कौन सी जगह है, तो बीच में बयानधुरा पड़ता है। बयानधुरा और गुरु गोरखनाथ दो जगह पर रोपवे का निर्माण हो जाएगा तो बहुत तेजी से श्रद्धालु भी वहां जा पाएंगे और पर्यटन का काम भी आगे बढ़ पाएगा। जनपद पिथौरागढ़ में चंडाक से हाटकाली का मंदिर, जो हमारे यहाँ का कुमाऊं रेजिमेंट का घोष होता है, जय हाटकाली का मैया का नाम लेकर वो किसी भी युद्ध में प्रस्थान करते हैं, तो एक वहां के लिए रोपवे, और पिथौरागढ़ में ही थल केदार के लिए रोपवे का निर्माण, यह भी एक बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र को पर्यटन को बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ साथ मुंशारी बलाती फार्म से खलिया टाप तक पर्यटकों के लिए एक रोपवे का निर्माण और नैनीताल में देवगुरु के लिए निर्माण रोपवे का निर्माण, ऐसे ये आपकी जो 59 योजनाएं हैं उसके अतिरिक्त इसको भी आप उसमें सम्मिलित कर देंगे। मैं एक बार फिर से आप सब लोगों की तरफ से उनके यहाँ माँ पूर्णागिरी के धाम टनकपुर पधारने पर आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से अपने दिल से आपका स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप सबको इन 8 परियोजनाओं की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।